कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद का राजस्थान के जयपुर में भी खासा असर देखने को मिला। सबसे ज्यादा प्रभाव ट्रांसपोर्ट पर पड़ा। राजस्थान में रोडवेज बसें बंद रही, सुबह से ही बसें खड़ी हो गई। इसके अलावा ट्रकों का संचालन भी नहीं हुआ, ट्रक जहां तहां सड़कों के किनारे खड़े हो गए। प्रदेश में मंडियां भी बंद के चलते बंद रखी गई। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, यहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई, पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने बीच बचाव किया। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद जयपुर में परकोटे के बाजारों में ट्रैक्टर चलाकर दुकानों को बंद करवाने निकले। उन्होंने किसानों का समर्थन करने और दुकानदारों से बंद को सफल करवाने की अपील की। जयपुर के चांदपोल बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ता दुकानें बंद करवाने गए, यहां उनकी दुकानदारों से झड़प हुई, आपस में हाथापाई और धक्का मुक्की की नौबत आ गई, तब पुलिस ने उनको दूर किया। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद जयपुर में परकोटे के बाजार में ट्रैक्टर चलाकर बंद करवाने निकले। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बंद का समर्थन आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। बंद में सरकार के इशारे पर अराजकता की हद पार हो गई। कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने जयपुर में बीजेपी मुख्यालयों पर पथराव किया। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अराजकता का माहौल बना रही है। आज की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कोटा में मंडी व्यापारी किसानों के समर्थन में उतरे। व्यापारियों ने एशिया की बड़ी भामाशाह मंडी में काम बंद रखा। पेट्रोल पंप भी 10 से 12 तक यानी 2 घंटे बंद रहे, लेकिन शराब की दुकानें तय समय पर खुली। बंद का शराब की दुकानों पर असर नहीं दिखा। शहर के प्रमुख बाजारों में चाय की गुमटियां और थड़ियां बंद रहीं। जयपुर समेत ज्यादातर शहरों में शहरी परिवहन यानी लो फ्लोर, मैजिक, ई रिक्शा, ऑटो सामान्य दिनों की तरह चलते नजर आए। हालांकि जयपुर में एहतियातन मिनी बस संचालकों ने जरूर बसों को रोके रखा। बंद की अपील का जोधपुर में मिला जुला असर देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस व कई अन्य संगठनों ने बंद का समर्थन किया, वहीं व्यापार महासंघ ने स्वयं को बंद से अलग रखते हुए अपने प्रतिष्ठान खुले रखने का फैसला किया है। व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है। मंडियां बंद रही, अजमेर में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। अधिकांश दुकानें बंद रही और कुछ खुली भी दिखी। कृषि मंडी में कारोबार बंद रखा गया। सब्जी मंडी आगरा गेट भी बंद ही रहा, लेकिन कुछ जगह कारोबार होता दिखा। बंद से पेट्रोल पंप, चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। साथ ही शादी समारोह को लेकर मैरिज गार्डन और समारोह स्थल को भी बंद से मुक्त रखा गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश संयोजक और जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स चैंबर के प्रदेशाध्यक्ष गोपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बंद में हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान के सभी 7 लाख ट्रक ट्रेलर व सभी प्रकार के कमर्शियल वाहन बंद हैं। बंद में करीब 13,000 ट्रांसपोर्ट कंपनियां शामिल हैं। वहीं प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियां भी बंद हैं। मुहाना मंडी में हरी सब्जी का ब्लॉक बंद है, आलू फल ब्लॉक खुला रहेगा।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.